வந்து நல்லா தயாரிக்கலாம் இதெல்லாம் பார்த்து தயாரிக்கலாம் हमारा इधर पूरा पूरे हमारा स्वर्ग है कर लेते हैं प्रभु है उनके कृपा आशीर्वाद मुझे दीजिए इधर हम इधर थोड़ा कर सकते हैं तो आप बैठे थोड़ा भगवान का हमारा राजगण प्रभु हमारा मधुसूदन प्रभु हमारा मंगल आश्वासन करना था प्रभु रसराज प्रभु ऐसे हमारा साक्षात प्रभु सारी मुश्किल कृपा हम लोग दीजिए और सबका भक्त दीजिए कृपा दे हम हरे तो ये दामोदर मेला चलता है ना दामोदर मेला तो आप लोग सबको पता है तीन हफ्ता केला चलता है दामोदर मेले का पूरा पता होता है लेकिन जो वही बात है फिर बार बार हम लोग सुनेगा लेकिन काम एक दिन है वो एक स्पेशल दिन है और कौन बताता है काल जानता है नहीं ऐसे हाथी लड़ते तो जो है काल दिन है वो तो एक स्पेशल दिन है जो हमारा जो दामोदर महीना जो काल हमारा शेष आखिरी दिन है वो दिन का अंदर भगवान को शालिग्राम साथ में माता तुलसी महाराज को विवाह हुआ था और उसी दिन हमारा जो फ्रंट मंडल पे जो व्रत है वो व्रत तो आखिरी दिन है फिर उसी दिन और बहुत कुछ हुआ था उसी दिन से भगवान को एक माधुर्य जो भगवान को आनंद देने वाला जो लास्ट उसी दिन से स्टार्ट हुआ था तो हम आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो पितामह भीष्म का कैसा भक्त है वो कितना ऊंचो स्तर भक्त है वो भगवान के साथ क्या क्या संबंध था और भगवान उसको पास जैसा एक भक्त एक युद्ध शरण में जैसा भक्त और भगवान रहता है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे तो पितामह जो पितामह भीष्म उन्होंने बाल ब्रह्म से लिखा उन्होंने अपने का नाम था शांतनुदा माता का नाम गंगा गंगा तो पितामह भीष्म इतना उच्च स्तर में भक्त है वो ऐसे हमारा जो ब्रह्मचारी सन्यासी वो भक्त लोग क्या करता है भक्त लोग कोई वन में जाके मंत्री में रहते हुए वो ब्रह्मचारी पालन करता है लेकिन जो पितामह भीष्म है वो गृहस्थ में रहकर मतलब वो जो सारी फैमिली का अंतर होकर भी उन्होंने ब्रह्मचारी पालन किया ऐसे ब्रह्मचारी तो कोई प्रकार होता है लेकिन उन्होंने ऐसा ब्रह्मचारी पालन किया जो सबसे उच्च स्तर पे उसको कहता है नष्ट की ब्रह्मचारी तो ये भी ऐसे भी है जो बारह महाजन है बारह महाजन का जो अंतर हमारा वो जो पिता भीष्म महान है जय जय कृष्ण महारानी की जय भगवान शालिग्राम भगवान की जय श्री प्रभुपाद की जय हरे हरे बोल ऐसा माता का साथ हमारा पिता किधर है पिता होना मांगते ना भगवान कृष्ण लेकिन जो विवाह का पहला दिन तो मिल सकते ना तो पहला दिन है तो काल विवाह होगा लेकिन आज भगवान हमारा साथ में माता का साथ दे हरे कृष्ण तो हमारा जो पितामह भीष्म तो जब हम इतना कुछ नहीं पता है घर में इतना कुछ नहीं जानते जो मेरे को जानकारी हो वही आपके साथ शेयर करेंगे पितामह भीष्म जब युद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध में युद्ध चल रहा है चौदह सौ तेरह युद्ध आठ दिन हो गया कितना दिन युद्ध हो गया आठ दिन कुरुक्षेत्र युद्ध चल रहा है लेकिन कोई पक्ष में युधिष्ठिर के पक्ष में और दुर्योधन के पक्ष में कोई मरता नहीं बस कोई ऐसा नहीं होता आठ दिन हो गया तो अभी युधिष्ठिर दुर्योधन सोच रहा है जो पितामह भीष्म युधिष्ठिर का जो प्रधान सेना को सेना है वो पितामह भीष्म था ठीक ना तो ऐसा आठ दिन होने के बाद अभी दुर्योधन तय रहा है युद्ध में कोई मरता नहीं ऐसा युद्ध धमाधम चल रहा है लेकिन वो आठ दिन के बाद युधिष्ठिर दुर्योधन ने पितामह भीष्म के साथ मिलने के लिए आने के बाद रात को 12 बजे ठीक है
तो मिलने के लिए गया। जाने के बाद अब पितामह भीष्म को दुर्योधन कहने लगा, आपको प्रिय है वो पंच पांडव, आज 8 दिन हो गया लेकिन आप किसी को मारता नहीं, आपको प्रिय है, आपको से प्रेम है, स्नेह है, आपको पुत्र का समान है, पुत्र का समान ऐसे आपको नहीं मारता है। तो ऐसे ऐसा पितामह भीष्म को और बहुत ही बात कहने लगा, बदलाल आप मेरे को नून खाता है और उनका भोषण में युद्ध होकर करता है। तो ऐसा बात है, क्या कहा तो पितामह भीष्म थोड़ा क्रोध आया। क्रोध आने के बाद पितामह भीष्म कह दिया, काल काल में पांच पांडव को एक को मैं मार रहा था। जब ऐसा पितामह भीष्म बात कह दिया तो अभी दूसरा सोचता है, तो पितामह भीष्म बाल ब्रह्मचारी अखंड ब्रह्मचारी एक बात है ना, रघुकुल वंश प्राण जा जाए लेकिन वचन ना जाओ तुम जाओ, तुम्हारे पुत्री को भेजो, उनको मैं आशीर्वाद कर देंगे, ठीक है जाओ। ऐसा पिता विष्णु कह दिया तो हमारा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उनका पास से उनके कान में ये बात पहुंच गया। पहुंचने के बाद अभी कृष्ण सोचता है पितामह भीष्म है, जो बात कहा वो तो पूरा कर देंगे। अभी भगवान श्री कृष्ण सोचता है मेरे अंदर का जो पांच पांडव है वो भी मेरा सबसे प्रिय है, लेकिन एक को मार देगा मैं कैसे उसको रक्षा करेगा, मेरे को दायित्व है। इधर पितामह भीष्म वो भी मेरा श्रेष्ठ भक्त है। अभी दोनों भक्तों का अंदर भगवान फंस गया। देखो देखिए जे कितना बड़ा भक्त है पांडव लोग और पितामह भीष्म, जो भगवान को भी फंसा देता है। भगवान आज बहुत चिंतित में है, बहुत चिंतित होकर उन्होंने बहुत सोचने लगा, रात भर मुझे फिर किया किसी के पास है पांच पांडव को पास किया। जाने के बाद वो सब को है सुधीर जी रोज रोज भीम लोगों से उठो 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 ऐसा बात कहने लगा। रात भर बंद वो लोग बहुत सो रहा था। जाने के बाद वो भगवान की तरफ लग रहा है, बता रहा है केशव तुम इतना के क्यों आ रहा, तुम्हारे कारण क्या है आने का बताओ। बता रहा है तुम लोग तो आराम से सोता है लेकिन उधर से क्या हो रहा है तुम लोग को कुछ मालूम नहीं, क्या हुआ केशव। बता रहा है जो सृष्टि का कितना सारे प्राणी है तो एक एक मर जाएगा तो क्या होगा ब्रह्मा का, कुछ नहीं होगा भैया तुम जाओ अभी हम लोग को सुने दो। ऐसा बात किसको कह दिया। अभी भगवान श्री कृष्ण सोचता है हम आए इनके से शेयर करने के लिए, कैसे हम इनको समाधान करेंगे, वो भी नीचे में होगा सूर्य। फिर बता रहा है भैया तुम तो हम तो तुमको शरण लग गए, तुमका शरण में हम लोग समर्पित है, तुम हमारा प्रभु है, सारी रक्षा देखभाल आप ही करता है, आपका टेंशन है आप जाओ हम लोग को सुने दो। ऐसे बस वो उसको बस सो गया। अभी सारे टेंशन तो भगवान कृष्ण को अंदर आ गया, जिसको मारेगा वही टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है लेकिन भगवान को कितना टेंशन है। तो ऐसा पहले लगा इसलिए कहते हैं भगवान को भक्त वत्सल। तो जब यह भगवान अभी बहुत टेंशन में सोच लगा अभी इसे कैसे समाधान करेंगे, ओके फिर उन्होंने बहुत सोच के उसके एक प्लान बनाया। एक प्लान क्या बनाया, बनाने बाद वो सोचता है अभी मैं द्रौपदी के पास जाएंगे, मेरा बहन द्रौपदी के पास जाएंगे, उनके पास रात को 2 बजे किया ताकि बता बहन उठो उठो उठो। पता है भैया क्या हुआ इतना रात के तुम क्यों मेरे को जगा रहे, पता है तुम मेरे से चलो। वो चलने लगा फिर बता रहा तुम मुझे भैया तुम मेरे को किधर लेके जाते हो बताओ तो। पता लगा भैया मैं बहन तुमको बताएगा तुम वो बात समझेगा नहीं, मैं तुमको जो बताएगा तुम वही कर दो। ऐसे किया जाके जाके पिता भीष्म के पास किया। तुम इसको पिता भीष्म क्या करने लगा, भगवान कृष्ण को ध्यान करने लगा, भक्त ना भगवान को पिता भीष्म वो भगवान को ध्यान करने लगा। जाओ पता रहा जाओ तुम्हारा घूमटा तुम्हारा जो क्या बोलते हैं इसका हिंदी में घूमटा बोलते ना, तुम्हारा घूमटा निकालो, निकालने के बाद पिता भीष्म जाके प्रणाम करो।
ऐसे किया, रहने के बाद थोड़ा चले लगा तो द्रौपदी का आगन का द्रौपदी के पास चरण में थोड़ा ये था चप्पल था, तो चप्पल था थोड़ा आवाज में लगा तो फिर मतलब पहन था थोड़ा सा सुनो इधर आ जाओ आगे एक का तुम्हारा चप्पल था ठीक है क्या भगवान ने उनका भक्त द्रौपदी को बहन का चप्पल हाथ में ले लिया, लेकिन भगवान गेट में खड़ा हो गया। देखिए इधर क्या भगवान भक्त के लिए क्या कर सकते हैं, भगवान भक्त को चप्पल हाथ में लेके उसके ऊपर खड़ा हो गया। जैसा वो चल गया, लेकिन जाने के बाद पिता भीष्म का भी जा प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जब पिता भीष्म थोड़ा मृदु मृदु थोड़ा आग मृदु मृदु आग थोड़ा खुला करने के बाद थोड़ा आशीर्वाद देना पड़ेगा ना, जो गायेगा थोड़ा आशीर्वाद तो देना पड़ेगा ना जो महाजन है, तो उन्होंने कह दिया तुम अखंड 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 सुबह को भगवत हो, मतलब तुम्हारा जो सामने भय हो तुम सुति हो ना, ऐसे को बोल दे दिया। जब ऐसा बोल उसका दे दिया जब पूरा आग खो दिया देखे तो द्रौपदी, लेकिन उस टाइम आने का था दुर्योधन का स्त्री ठीक है, तो अभी ये भी हार गया। जब ऐसा बात कह दिया तो भी तो भगवान कृष्ण अभी रूम में खड़ा हो गया, अभी कृष्ण बदला है अभी क्या कर सकते हैं, अभी तुम क्या कर सकते हैं, इसको रात को वचन दिया था पास को एक मार देने के इसको पति को, लेकिन अभी सुबह वचन दिया अखंड भगवती भव अभी क्या करेंगे, तो भगवान ऐसा मतला ऐसा संबंध मत रहते, लेकिन ये भगवान के प्रेम है वो भी एक आनंद देता है। तो अभी अभी तो भीष्म का भी दूसरे दिन भर गया मेरा मसला क्या करेगा, फिर पिता भीष्म और एक मसला उस टाइम कह दिया, क्या कह दिया, हे केशव तुम जब कुरुक्षेत्र युद्ध में ऐसा बात हुआ था पहले तुम अर्जुन को बात रहे था मैं कुरुक्षेत्र युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन मैं शपथ करता हूँ तुमको मैं शपथ करता हूँ तुमके मैं अस्त्र उठाऊंगे सारा कुछ उठाए उठाएंगे सारा कुछ उठाने पड़ेगा शरीर में हिंदी तो तुमको मैं वस्तु तुमको अस्त्र उठाना पड़ेगा, ऐसा बात उनको सपोर्ट काट दिया, ऐसा तो एक सपोर्ट किया हम लोग और एक सपोर्ट चल रहा है। इसके बाद अभी कृष्ण भगवान तो वही चिंतित हो रहे हैं मेरे को अस्त्र उठाना पड़ेगा टेंशन है, फिर उसका बाद दिन नौवें दिन अभी धाम युद्ध शुरू हुआ, होने के बाद उसी दिन युद्ध चल रहा है सारा धाम युद्ध चल रहा है, दिल बहुत देखते से युद्ध दोनों पक्ष में चल रहा है, चौंगे चौंगे हो गए अभी देख रहा है अर्जुन का जो शरीर में थोड़ा घामत हो गया मतलब घाम पसीना आ गया तब भगवान कृष्ण सोच रहा है 8 दिन हो गया है लेकिन इतना दिन तो मेरा सखा अर्जुन के पास कोई पसीना नहीं आया, आज बहुत ही गंभीर युद्ध है आज पसीना निकल गया लगता है आज कुछ गड़बड़ होने वाला है, आज तो पितामह खुश फूल पार शक्ति में वो युद्ध कर रहा है, ऐसा चल रहा है सुन के पितामह जी क्या देख रहा है अर्जुन अभी थोड़ा दुर्बल हो गया अभी हॉस्पिटल चलाने के लिए थोड़ा जमीन, तो भगवान क्या क्या तो भगवान को एक वाणी था पितामह भीष्म का वचन भी रखा करने को उनके यदि के भक्त भी वचन रखा करने के क्यों भक्त है, तो भगवान कृष्ण चंद्र जो सिंह तरफ जैसे सिंह एक हाथी का तरफ जो व्यक्ति जाता है तो भगवान कृष्ण जो एक भंग हुआ एक रथ चाकर लेके पिता भीष्म को ऐसे मारने के लिए किया, ऐसे हमारा कोई फोटो में कुछ जगह में देखता है जो भगवान कृष्ण जो पिता भीष्म को मारने के लिए जा रहा है, तो ऐसा स्थिति में देखा जाओ तब भीष्म पिता भीष्म कहने लगा पिता भीष्म क्या किया वो युद्ध से रथ से सारी वसन निकल के हे केशव उनको प्रणाम करने लगा, मैं तो यही देखना चाहता था जो आप काम मुझे आपका वचन सुन के मेरे से ऐसे भाव लेके आप आए आज हम आपको शरण में चले गए। तो ऐसे भक्त भगवान ऐसे भक्त भगवान के वचन तोड़ देते हैं कितना बड़ा भक्त है पिता विष्णु, लेकिन हम तो और पिता विष्णु को इतना बुझ का ले सकते थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं बताएंगे और थोड़ा ऐसा वचन तोड़ दिया। जब अभी कुरुक्षेत्र युद्ध में अंतिम टाइम में जब अर्जुन ने युद्ध करके पिता भीष्म को
उनको अस्त्र खाली किया जब युद्ध पे पिता भीष्म सो गया, मतलब अभी युद्ध होने के टाइम सो गया। होने के बाद अभी सारी सेना को युद्ध पे जब पिता बस सो गया तो मतलब बोलते तू तो उसके लिए युद्ध फिनिश। तो पितामह भीष्म का दर्शन करने के लिए पंच पांडव और बहुत सारी सखा और सेना उस तरफ उनको आने लगा। आगे आगे जब पंच पांडव भगवान पिता भीष्म को प्रणाम किया तो पिता पंच पांडव के साथ कौन था? भगवान श्री कृष्ण था। जैसे भगवान पंच पांडव पिता भीष्म को दंडवत प्रणाम किया, अभी भगवान श्री कृष्ण क्या करे उनके साथ में, तो भगवान भी उनके साथ पिता भीष्म को दंडवत प्रणाम कर दिया। भक्त कभी कभी ऐसा है भक्त का भाव भी भगवान अनुसरण करता है, अनुकरण करता है, ऐसा है भगवान के यहाँ। तो वैसे कहने लगा फिर वो युद्ध क्षेत्र में पिता विष्णु अर्जुन का थोड़ा ज्ञान देने लगा। ऐसा क्या देने लगा जब क्या कह रहा है पिता विष्णु युधिष्ठिर को, हे महाराज युधिष्ठिर ईश्वर का इच्छा है तुम राजा बनो और राज्य का भी तुम संभालो, ऐसे कहने लगा। तो युधिष्ठिर कहने लगा हम इसका मत क्यों मानेंगे, ये तो छोटा है, ये तो अर्जुन का साथ हुआ बहुत छोटा है, उनके मत नहीं क्यों मानेंगे। बता रहा है इसका तुम हालांकि तुम नहीं दे जाता है, तुम जाते इसका छोटा है लेकिन ये सबका बाप है, मतलब ये सबका पिता है, ये सबको ब्रह्मांड का मालिक है, ये भगवान साक्षात कृष्ण है नारायण है। फिर युधिष्ठिर महाराज कहने लगा अगर भगवान कृष्ण हो तो इधर क्यों आया, उनको तो वैकुंठ में होना चाहिए है कि नहीं, इधर क्यों आया, प्रश्न हो सकता ना इधर क्यों आया। तब पितामह भीष्म कहने लगा देखो युधिष्ठिर ये परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान है, तो इन्हें दुनिया में आके ब्राह्मण आके उन्होंने लीला करता है और ऐसी लीला करता है माया का द्वारा सबको तो लीला को सबको पहचानते नहीं देता है, और वो भगवान कृष्ण भी आप लोग के पक्ष में आके सेवा करता है, आप लोग का पक्ष होकर वो रहता है, ऐसे मायाधीश भगवान है, मतलब मायाधीश ऐसे नहीं है भगवान शब्द को तो नहीं समझो भक्त है वही भगवान को समझ सकता है, ऐसा वरदान भगवान सबको ला दिया। तो इसलिए ऐसे भगवान लीला करता है, भगवान को कोई नहीं जानता है। अच्छा फिर बात रहा अच्छा उसको कोई नहीं जानता है बोलते नहीं कोई नहीं बात रहा है उसको पहला कोई जानता है, कौन कौन जानता है बात रहा है नारद देवर्षि शिव जी ऐसा और कुछ ऐसा जानता है लेकिन सब उनको नहीं जानता है। इसे एक लेक्चर में सुना था जो इसका पहला बात क्या था नारद मुनि को है ना, नारद मुनि को बात किया था, नारद मुनि जानता है लेकिन हमारा जो गौड़ीय माधव संप्रदाय ये नारद मुनि एक स्पेशल ब्रह्मचर्य है मतलब भक्त है, उनका प्रसार कर दिया, उनका जो प्रसार का प्रभाव अभी सारा दुनिया में चल रहा है लेकिन उसी का परंपरा अभी हम लोग साथ में जुड़ा हुआ। हरि बोल हरि बोल। अगर ये नारद मुनि जैसे परंपरा कैसे हो गया, इसे भगवान कृष्ण जानते किसको ब्रह्मा दिया नारद को, नारद दिया माधु सर जो पद्र अपने हरि माधव के खोम ज्योति थो ज्ञान सिंह जो क्या क्या कि हमारा आखिर में कौन है बनाया हमारा आखिर में आया कृष्ण की मूर्ति अभय चरण बिंद भक्ति बिंद स्वामी शिव प्रभुपाद। अब अभी हम लोग अभी पूर्वत का संस्थान है, अभी ये संस्थान में जो अच्छा से जब कुछ भी अच्छे से करना मांगता है जो आशा से भक्ति का रहेगा परंपरा होकर भी वो भगवान का धाम निश्चित जाएगा। तो हम लोग ऐसे परंपरा हो तो ऐसा लगा। फिर बात रहा है दूसरी जैसे बात करने लगा ठीक है ऐसे उनका बात चल रहा है। चलने के बाद अभी उनका युधिष्ठिर महाराज को अभी थोड़ा ज्ञान देने लगा, धर्म का ज्ञान, नारी सम्मान का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, ऐसे जैसे राजा अभी युधिष्ठिर में तो राजा मानेगा ना, राजा का सबको सामान लेकर तो सर सब जानकारी होना मांगता है। तो ऐसे बताने लगा जब उनको बताने लगा जो राजा का एक राजा कैसे होना चाहिए, अभी तो दुनिया में बहुत मंत्री है बहुत ही राजा है लेकिन
राजा को ऐसा होना चाहिए, राजा को कर्तव्य क्या है, सबको कुशल में रहने का, सबको शांति प्रदान करने का, कोई दुख कष्ट ले आने का, ऐसा राजा बनवाते ना। तो बता रहा है जो राजा ऐसा मांगता है, राजा को धर्म का पद चलना मांगता है, हमारा सनातन धर्म का हो, वो राजा क्या मांगता है, धर्म का जो चार चीज नियम को पालन करना मांगता है, जप करना मांगता है, भगवान को शुद्ध भक्ति करना मांगता है। अगर राजा ऐसा शुद्ध भक्ति करेंगे तो वो प्रभाव किस किस पर पड़ेगा, उनका भोजन के ऊपर पड़ेगी, और भोजन क्या करेंगे, राजा को कहते हैं कि भक्ति करेंगे। तो ऐसे राज्य कौन कौन क्या था, भगवान राम राज्य, भरत राज्य, वशिष्ठ महाराज, ऐसे उनको राज्य क्या था, उस टाइम कोई दुख क्लेश नहीं था। तो ऐसे तो राजा ऐसे वो धर्म पर भला मांगते, ऐसे ज्ञान देने लगा, फिर देने लगा दान। दान हमारा कैसे होना चाहिए, दान ऐसे होना चाहिए पात्र देख के, जैसे वैष्णव लोग को दान करना मानता है, जो वैष्णव भगवान को सेवा में वो दान कर सकते हैं। फिर हम लोग ऐसा तो नहीं करेंगे जो आया उनको दे दिया, लेकिन उनका जो पाप किया, कुछ गलती किया, उनका भार कौन होगा, हम लोग होगा। दान थोड़ा देख के करना मानता है। फिर दान का कोई प्रकार होता है, दान का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है दान, जो कृष्ण भक्ति, जो कृष्ण भक्ति गीता भागवत अनुजाई उनको जो कृष्ण भक्ति आने के लिए जो ज्ञान प्रदान करता है, वही सबसे बड़ा श्रेष्ठ दान है। ऐसा दान है, लेकिन ऐसा दान करेंगे हम जो वापस वो दुनिया में कभी है दुनिया में नहीं आना पड़ेगा, ऐसा दान हम लोग करना मांगते हैं। अगर कृष्ण भक्ति किसी को दान कर देंगे तो वापस दुनिया में आएगा नहीं कहते, इसीलिए इसका सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया। फिर बताने लगा नारी धर्म का, नारी को कैसे सम्मान करना मांगता है, कैसे उसका रिश्ते करना मांगता है, ऐसे उसका धर्म ज्ञान देने लगा पितामह भीष्म। तो ऐसे बात जो नारी का जो धर्म का देने लगा, तो बाजू में कौन था, द्रौपदी। जब नारी का धर्म का बारे ज्ञान लगा, बाजू में द्रौपदी था, द्रौपदी बहुत दूर से वो हंस रहा है, पूछ रहा है क्यों हंस रहा है, बता रहा है पिता भीष्म बता रहा है, पुत्री करना तुम अभी इतना लाखों लाखों जो भक्त हो, लेकिन जो पिता भीष्म ऐसे प्रमोशन देने लगा, मैं थोड़ा भूल गया, ऐसे प्रमोशन देने लगा, तो प्रमोशन का अंतर बहुत मनुष्य से आया था, कोपिल, बैलदेव, नारद, वशिष्ठ, ऐसे बहुत ब्रह्मांड का बहुत बड़े बड़े मनुष्य उनका शिष्य लेके लाखों सेना शिष्य लेके उपस्थित हुआ था, और पिता भीष्म का प्रमोशन सुनने के लिए, अंतिम टाइम देखने के लिए, ऐसा बड़ा उनका भक्त था पिता भीष्म। लेकिन जो दिन मेरे को दुशासन दुशासन सारी मिलके मेरे को वस्त्र हरण करने वाला था, हम सबको भी गया था, आपके पास भी गया था, लेकिन कोई तो मुझे रोष नहीं किया, आपको से किया था, आप तो मुझे रोष नहीं किया, लेकिन आप आदि अभी कैसे नारी शिक्षा का बात बोलते हैं, बात आ सकते ना, कैसे बोल सकते हैं। फिर पिता भीष्म कहने लगा, हे द्रौपदी, तुम जो कहा है सत्य बात है, लेकिन उसी टाइम में दुर्योधन को नून खाया था, मतलब अन्न खाया था, दुर्योधन को दूषित अन्न खाने के कारण मेरा मोती भ्रष्ट हो चुका है, थोड़ा गंभीर हो चुका है, इसीलिए मैं उनको पक्ष में था, उनको बुद्धि हमारा बुद्धि सेम सेम था, इसीलिए मैं तुमको रक्षा नहीं करना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। फिर बता रहा है जो ऐसे हमारा बहुत सारा शिक्षा है, बता रहा है विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मैंने पायना मलिन मन है पायना कृष्ण चरण। तो ऐसे बता रहा है जो विषय मतलब कौन है, जो विषय का आसक्ति है, जिसका धन संबंधी आसक्ति है, जो भक्ति नहीं करता है, उनका कहता है विषय, और भी उसके बहुत सारे बात है, उनका हम उनका घर में हम खाएगा तो उनका संबंधी हमारा विमुक्ति हो जाएगा। जैसे अभी कृष्ण भक्ति करने के लिए जो अभी प्रसाद खाता है, वो दूसरा घर में जाके पूरा भक्त नहीं है तो बना के खाएगा, वो नहीं खाएगा ना, जो मांस में से बनाया हुआ खाएगा नहीं खाएगा ना, ऐसे दूषित अन्न है ना, अगर दूषित अन्न खाएगा तो उनका मोती हमारा मोती सेम समझ जाएगा।
तो ऐसा हम छूटेगा मैं बताएगा बहुत पहले हम देख सकता था ऐसा दूसरा ब्रह्मचारी एक भक्त के पास गया था उनका थोड़ा भक्त बात रहा है हम थोड़ा भोजन सेवा करेंगे तो वो भक्त क्या किया बस उनका निमंत्रण किया अभी दूसरा ब्रह्मचारी आया उनको सेवा ग्रहण करने के लिए बस अभी आने का पहला उसी दिन वो एक उनका उनको पत्नी और पति था दोनों भक्त था लेकिन पति को पत्नी को हुआ पति को उसको भगवान का सेवा नहीं कर पाया तो अभी पति क्या करेगा पति अकेला अभी पत्नी को नहीं कर पाया पति अकेला भी पति थोड़ा इधर उधर भाग रहा है थोड़ा थोड़ा आने अरेस्ट करेगा साग सब्जी थोड़ा भेज भेज अरेस्ट करेगा लेकिन घर पे वो कौन बनाएगा वो तो पति बनाएगा ना तेरे पति कहेगा दूसरा किसी को बुला करके ले गया वो भक्त नहीं है लेकिन बता रहे हम थोड़ा पब्लिक है हमारे घर में भोजन बनाने वाला है थोड़ा आप थोड़ा एक प्रसाद बना लो ओके उन्होंने पानी सर किया जब बना रहा है बना के बना के सब कुछ तो हो गया भगवान ने भूख लगाया जब उनको दिया तो ब्रह्मचारी जो भक्त है वैष्णव उनको दिया वो प्रसाद खाने लगा वो खा के खा के वो उसको एक गिलास था एक चांदी का एक गिलास था देखने के लिए बहुत अच्छा धूप का झलक झलक करता है तो वैष्णव जब प्रसाद खा रहा है तो उनका मन भाव है तो बहुत सुंदर गिलास है इसको मैं मार दे किसी को लेके जाएगा ऐसा सोचता है फिर पता है ऐसा क्यों सोचता है सोचो ना मुश्किल ही लेके जाएगा वो प्रसाद खाया खा के उसका बैग में वो झलक आता रोड गिलास भर दिया भरने का जब घर में गया घर में जाने के बाद अब रात को चिंतन कर रहा है मैं गिलास क्यों ले गया मैं तो प्रसाद खाएंगे ऐसा मेरा बुद्धि कैसे हुई है ऐसे उसने लगा फिर वो भक्त क्या किया फिर वापस वो भक्त घर में आया आने आके पूछने लगा जो आपको आप लोगों का काल इधर प्रसाद कौन बनाया था प्रसाद कौन बनाया था बता रहा है दूसरा एक बनाया था आसमान के बुलाओ वो बता रहा है आप क्या बता है वो बता रहा है मैं तो थोड़ा वो क्या करता इसके लिए वो चोरी करता था क्या था दूसरे घर में जो कुछ मिलता है सामान वो चोरी करता था लेकिन जब वो प्रसाद बना रहा है रंधन कर रहा है उनका मन क्या था आज हम उधर जाके थोड़ा कुछ चोरी कर सकता है इधर कुछ चोरी करते हैं लेकिन हम आज ये करता है लेकिन जो बना रहे मन में क्या था चोरी का प्रॉब्लम था लेकिन जहाँ वो वैष्णव प्रसाद खाने लगा शासक उनका साथ के अंदर वो चेतना भूज गया वो चोरी का प्रभाव आ गया तो इसलिए वैष्णव को थोड़ा हरे कृष्णा तो ऐसा है फिर और एक लीला है हमारा चित्र महाप्रभु का है तो जब एक बोधवास जब भगवान चित्र महाप्रभु दक्षिण भारत में प्रसंग करने के लिए गया था दक्षिण भारत जाने के बाद तो उन्होंने एक बोधा से मतलब एक बोध धर्म का एक बोधा से जो वो महाप्रभु जानते हैं मत ये जो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रखंड पंडित थे इनका साथ लड़ेगी लेकिन वो बोध सारा माया भी जो ब्रह्म को समझते हैं भगवान के रूप है वो नहीं माता थे जब ऐसे कहने लगा जब दोनों का अंदर बोध असर जो और महाप्रभु के साथ बातचीत होने लगा शास्त्र का तरफ बातचीत होने लगा लेकिन वो बोध सर जो हार गया हार जाने के बाद उनका जो गांव का जो दूसरे लोग थे उनका शिष्य है उनका थोड़ा कहने लगा आप बहुत बड़े पंडित थे अभी इधर गया पंडित हर गया अभी हर गया तो ऐसा सुन के बहुत सारे कहते तो शांत होने मांगते ना फिर और भी उसका क्रोध आया बहुत सारा बात रहा है ये बहुत बड़ा वैष्णव है ये वैष्णव है ये वैष्णव का थोड़ा मोती भ्रम करना पड़ेगा तो उन्होंने क्या किया वो बहुत सारे को बहुत सारे क्या किया एक प्लेट बहुत सुंदर करके एक प्लेट साधाया प्लेट साधने के बाद वो क्या ऊपर से बहुत ही अच्छा अन्न मतलब चावल और नीचे से कुछ दूषित खावा वो रख दिया कुछ मछली कुछ ऐसा कुछ खावा उसके अंदर रख दिया लेकिन उसका सौंदर्य आए वेजिटेबल है बहुत ऐसे कोई पे लगे गया जब लगे गया महाप्रभु के साथ जब देने लगा तो उसने क्या किया एक पक्षी आया तो क्या किया वो प्लेट पक्षी उड़ा के लगे गया लेके जाने के बाद सारी जो दूषित खबर मानो है वो बोध आश्रम के ऊपर के वो फेंक दिया और जो प्लेट इतना बड़ा प्लेट जो प्लेट का जो कांदा होता है ना कांदे उसका इधर वो गिर गया
और गिरी गया था वो मारी थे वो भूमि थे गिरी के वो भी वो बेहोश हो गया बेहोश होने के बाद अब उनका शिष्य है शिष्य कहने लगा ओ गुरुदेव 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 क्या हो गया साबिर कैसा बात करने लगा फिर उन्होंने क्या किया महाप्रभु का शरण में गया महाप्रभु का शरण में गया जाने के बाद महाप्रभु बता रहा है तुम लोग कृष्ण नाम करो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जैसा ये महामंत्र कीर्तन करने लगा बता रहा है तुम्हारे गुरु के पास कान में जाके ऐसा मंत्र बताओ तब वो शिष्य लोग क्या किया ओम का गुरुदेव के पास कान के ऊपर ये महामंत्र सब काम बोलने लगा तब गुरुदेव वो खराब हो गया जैसे अच्छा हो गया और अच्छा हो गया भाई बात ओम गुरुदेव क्या किया वो महामंत्र सुन के वो भी नहीं तो कितना बोलने लगा तो ऐसे महापुरुष उनको कृपा किया इधर ही महापुरुष हमको ये शिक्षा देता है जो दूषित अन्न नहीं खाने तो हम लोग को जैसा दुर्धन 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 खाने का बात पितामह भीष्म के चरणों में थी घूमा था कैसे द्रौपदी को पकड़ लाया फिर वाकई ये बात सही है लेकिन और भी कुछ शिष्य था जाने के बाद अभी अंतिम टाइम ऐसा जुदुशी बात लगा आप कृष्ण का इतना रिस्पेक्ट करता है इतना गुणगान करता है कौन बता रहा है जुदुशी महाराज पिता भीष्म का बता रहा है आप इतना गुणगान करता है लेकिन आप हमारा पक्ष सुन के लेकिन दूसरा पक्ष क्यों किया ऐसा प्रश्न आ सकते नहीं आप कृष्ण को इतना गुणगान करता है लेकिन कृष्ण का प्रस्ताव क्यों फाइटिंग करने के लिए किया फिर बता रहा है जो देखो हम इसलिए क्या युद्ध का टाइम जो सब पीछे रहेगा जैसा अर्जुन बता रहे अर्जुन के बाद अर्जुन को इतना अच्छा प्रिय प्रेम है लेकिन अर्जुन क्या करता है अर्जुन पीछे है अर्जुन भगवत पीछे है और अर्जुन किधर है सामने है ना सामने तो युद्ध कर रहा है लेकिन ये देखो बात इम्पोर्टेंट है जब युद्ध कर रहा है अर्जुन तो भगवान का मुंह देखता नहीं देखता है अगर भगवान कृष्ण सामने होगा अर्जुन पीछे होगा तो मोह मोह दिखेगा नहीं देगा ना तो इधर के इधर जो भीम पिता भीष्म पात्र लगा जब हम ऐसे पोस्टर लिया भगवान हमारा सामने है मैं भी भगवान का सामने हूँ मैं भगवान का श्याम और सुंदर रूप दर्शन करने के लिए मैं पक्ष लिया हरी बोल इतना सुबह को अर्जुन को भी नहीं हुआ जो इतना सुबह को पितामह भीष्म को हुआ तो इसने कहा तो फिर उसने बताने के बाद फिर युधिष्ठिर अर्जुन को फिर बता रहा है तुम कृष्ण को नहीं समझते कृष्ण को तुम नहीं समझता है एक कृष्ण तुम्हारे कृष्ण का तुम लोग क्या किया कृष्ण का तुम लोग दूध बनाया कुछ कार्य कम कुछ आने के लिए भेजने के लिए किसी को बात बोलने के लिए ऐसा उसने किया तुम अर्जुन ने क्या किया अर्जुन ने कौन कहा अपना रथ का ड्राइवर तुम लोग कृष्ण को ऐसे बात ऐसे तुमको सेवा में लगा दिया वही नहीं भगवान कृष्ण हम पता है ऐसा क्यों कहा फिर बता रहा है भगवान कृष्ण भक्त का सेवा करके ज्यादा प्रसन्न होता है जब युधिष्ठिर महाराज राष्ट्रीय जो करने के टाइम होता तो भगवान का सेवा क्या था भगवान को सेवा ही था जो भक्त में आएगा उनको चरण धुत करेंगे ये नहीं और तुरंत करेंगे ये तो सब किया जब भक्त लोग प्रसाद खा के किया प्रसाद खा के बाद जो उशिष्ट है उसी जो अन्न खा के किया वो भी भगवान ने सफाई किया देखिए भगवान कितना जो सेवा करने के लिए हम लोग दूसरा हिंसा माता है वो सेवा भगवान करता है तो सेवा के बारे में और थोड़ा नॉलेज बताएगा सेवा का जैसा है हम लोग जब भक्ति आने के बाद सेवा करने के बहुत कुछ हो जाता है जब थोड़ा गौरव मान जाता है तो जो छोटा छोटा सेवा हम लोग उस टाइम आँख में नहीं फंसता है ये छोटा सेवा है वो छोटा वो भक्त करेगा वो सेवा करेगा हम इतना क्या थोड़ा मन में थोड़ा बड़ा भाव आता है लेकिन हम लोग ये पता होना चाहिए सबसे जो छोटा सेवा है वही सबसे श्रेष्ठ सेवा है जैसा क्या ऐसा चप्पल सेवा है रतन सेवा तो कोई जाने के लिए जाता कोई कष्ट का सेवा है फिर जो और सर बहुत सेवा है लेकिन और एक पॉइंट है सेवा गोलक वृंदावन ने एक बार क्या हुआ था गोलक वृंदावन सारी पक्षिका की राधा मतलब राधा ने पक्षिका की कोकिल मैना जैसा पक्षियों
राधे को बहुत ही गुंजन गुंजन हो अच्छा लाइक ठाकुर के नाम में और धाम तो बहुत खुश रहता था लेकिन जब जब छोटा सा एक भंवर क्या है एक भंवर जब उन्होंने गुनगुन गुनगुन करने लगा तो सारी जितना वन का जितना पक्षी है पक्षी है जितना अच्छा जो सुर कहने वाला सब टोटल स्टॉप जब वो छोटा भंवर गुनगुन करेगा क्यों करेगा तो वो छोटा भंवर करेगा तो राधा ने वो छोटा भंवर का गुनगुन बहुत ही अच्छा वो आनंद प्रदान कर देंगे आनंद प्रदान करते जब इतना बरबर सेवा से हम समझ रहे हैं इतना बरबर सेवा हम लोग तो करेंगे लेकिन छोटे सेवा में हम लोग ऐसा फिर जब अंतिम टाइम पिता भीष्म अभी देह मतलब बॉडी छोड़ने के लिए जाएगा फिर भगवान कृष्ण को बता रहा है कृष्ण तुम थोड़ा सामने आ जाओ थोड़ा सामने आ जाओ बता रहा है सामने जाएगा ओके सामने जाओ ओके सामने आके चुपचाप खड़ा नहीं जाओ अभी भगवान कृष्ण तो बहुत नटखट है वो तो काम भी सीधा नहीं खड़ा होता है ऐसे 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 उसका तैरा है उसके लिए नाम क्या है त्रिभंगी मतलब वो त्रिभंगी ऐसे ऐसे कैसे भी खड़ा रहता है तो भगवान बात रहा है भी तो विष्णु भगवान बात रहा है ऐसे ऐसे नहीं है सीधा सीधा तुम खड़ा हो जाओ बात रहे क्यों हाँ मैं जो बोलो सुनो फिर बात रहा है भगवान पिता विष्णु अभी अंतिम टाइम भगवान का सुंदर उज्जवल मुखारविंद मुख पीताम्बर धारी भगवान का जो मुख दर्शन करके करके पिता भीष्म अभी तह जय जय पितामह भीष्म की जय कृपा की जय श्री गुरुदेव की जय दोनों भगवान के तो पितामह भीष्म तो और सारी बात थी लेकिन मैं तो नहीं कर पाया उसका थोड़ी सा एक बूंदी में उसका गुणगान किया लेकिन इसी का अंदर मेरा कुछ गलती हो गया तो आप लोग पुत्र करना और जो इसका अच्छा कार्य हुआ तो उनका जो मेरा नहीं है हमारा गुरु गुरु महाराज और सारे भक्तों का आशीर्वाद के बारे में तो हम लोग अभी तुलसी महाराज का थोड़ा बात करेंगे हरे कृष्ण तुलसी महारानी ब्लॉक वृंदावन का तो समझ और कोई नहीं है वो भगवान का एक विग्रह प्रकाश है तो समझ नहीं भगवान का एक विग्रह प्रकाश है जब गोलक वृंदावन था गोलक वृंदावन के किसी के दास वो राधा ने को साफ हुआ था मतलब उसे साफ दिया था तुम भूमले भूमले बहुत हो साफ दिया था फिर उनका साथ साथ भी ऐसे एक सुधामा नाम एक भक्त था भगवान को उनका भी साथ दिया था दोनों का भी जन्म हुआ लेकिन आइए हम देखे कैसे हुआ ब्रह्म का पुत्र मनु मनु का पुत्र जो उत्थान पास उत्थान का पुत्र ध्रुव महाराज ध्रुव महाराज का पुत्र नंद शर्मानी नंद शर्मानी का पुत्र केदारनाथ तो एक केदारनाथ का कन्या माता तुलसी महारानी तो केदारनाथ बहुत ही विष्णु भक्त परायण था कृष्ण भक्त परायण था उन्होंने बहुत ही अच्छा राधा बहुत ही प्रजा को ख्याल करता है बहुत ही सेवा करता है सेवा करते हुए उन्होंने उनको जैसा सुदर्शन है ना सुदर्शन उनका राज्य सुदर्शन उनके देखभाल करता था इतना प्रभाव राजा था ठीक है और उनको जो वरुण देव उनको लख लख गावी प्रदान किया और इसका सारी राजा का जो जरूर जरूर थे वो सारी वो प्रदान करते थे राजा का कोई कमी नहीं था और राजा केदारनाथ क्या करता था प्रातः समय मतलब सुबह से शाम तक ब्राह्मण जो के राज को जो है ना हमेशा वो दान करता था इतना बड़ा राजा था इतना कृष्ण भक्त परायण था और उन्होंने क्या किया एक दिन एक यज्ञ शुरू किया यज्ञ शुरू करने के बाद उन्होंने वो यज्ञ शुरू करा यज्ञ होने लगा तो यज्ञ से मतलब एक अलंकार विभूषित एक बहुत ही सुंदरी कन्या यज्ञ से उत्पन्न हुआ जगह से उत्पन्न होने के बाद तो कन्या कहने लगा मैं आपका कन्या हूँ किसको कहा केदारनाथ को कहा मैं आपको कन्या हूँ तो फिर क्या किया केदारनाथ के उनको पुदर्शन किया बिंदी को पुदर्शन किया करने के बाद उनको कन्या को उनका पत्नी को उनको प्रदान किया ये लोग पत्नी कन्या तो पत्नी की जगह ना तो फिर
अभी तुर्जा बिंदा भी क्या किया, अभी तो थोड़ी दिन का वो बात बिंदा भी वन में तपस्या करने के लिए चले गया। एक जमुना एक नदी है, जमुना नदी के तीर के पास उन्होंने तपस्या शुरू किया। तपस्या शुरू करने के बाद बहुत दिन हो गया, बहुत दिन होने के बाद होने के बाद ब्रह्मा आया। ब्रह्मा एक उनका आशीर्वाद किया, बुद्धि तुम किया, बता रहा है मैं हरि का, मैं हरि को मैं पुत्र रूप में चाहता हूं, आप ये बोल दे सकते हो मुझे दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा उनको वो आशीर्वाद उनको दे दिया, वो चले गया। चलने के बाद अभी वो फिर वो तपस्या शुरू किया करने के बाद, शुरू करने के बाद अभी वो ब्रह्मा ने क्या किया, धर्मराज, धर्म है ना, धर्मराज को उनको परीक्षा करने के लिए भेजा। जाओ जमुना नदी तीर में जो बिंद है उधर तपस्या कर रहा है, भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में मिलने के लिए चाहता है, मतलब वो पुत्र रूप में चाहता है उनके तपस्या का फल। वो धर्म क्या है, उनको परीक्षा करने के लिए आया। आने के बाद अभी उनको परीक्षा करता है, आप किस लिए तपस्या करता है, ये निज वन में आप एका क्यों, आप किसे करना है, ऐसे से बात करने लगा। फिर बता रहा है बिंदा देवी, मैं केदार रस का करना हूँ, मैं इधर बहुत सारे तपस्या कर रहा है, मैं भगवान कृष्ण को मैं पुत्र रूप में चाहता है। फिर वो धर्मराज कहने लगा, अरे तुम तो बहुत सुंदर कौन है ना, तुम ऐसा सुंदर है, लेकिन एक बात है, क्या बात है, भगवान कृष्ण को पुत्र होने है किसी का लायक नहीं है, वो कौन है, लक्ष्मी है, सरस्वती है और अंतिम है श्रीमती राधा रानी है, यही है, और राधा रानी और भगवान कृष्ण का पुत्री कोई नहीं हो सकता है। फिर ऐसे बात उनके कहने लगा, फिर बता रहा है तुम हमको देखो, हमको चॉइस करो, हमको शादी करो, तुमको मैं अच्छा सा सुख देगा, भ्रमण करेगा, वो तुमको जो जोर मन में इच्छा है मैं सबको पूरा कर देंगे। फिर कहने लगा, फिर ओ माता त्रिशूषी मैंने कहने लगा, देखो देखते देखिए हम तपस्या कर रहे हैं भगवान को पुत्र रूप में मिलने के लिए, लेकिन आप मुझे वो वर दे सकते थे दीजिए, न हो तो आप जाकर आप प्रस्थान कीजिए। फिर ऐसा बात कहने लगा, फिर वो नहीं होता, और भी और परीक्षा करने के लिए, फिर और थोड़ा वो थोड़ा दूसरा भाव, मतलब एक स्त्री का जो एक पुत्र का जो काम बात है वो चीज बातचीत करने लगा। फिर भी राधा ने बिंदा भी थोड़ा क्रोध हो गया, उसने कहा देखो तुम ब्राह्मण है, क्यों धर्म से एक ब्राह्मण सर्वेश को उधर आया था, तुम एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कोई परस्त्री गमन करेगा, कोई परस्त्री को देगा, कुछ बजेगा तो उनका एक नरक है कुंभिभक नरक, कुंभिभक नरक को भुगना पड़ेगा, और ऐसे नहीं भुगना पड़ेगा बहुत हजार लाखों लाखों साल उधर भुगना पड़ेगा, और राजा जमराज को जो लूह है, लूह है ना, लूह क्या समझता है, लूह क्या समझता है, लोहा ही होते हैं, लोहा जो गरम लोहा उसको गरम करके उसका मुंडी पर मारेंगे, ऐसा समझ का छाता जब कभी लगने लगा। फिर ऐसा उनका शिक्षा देने लगा, फिर भी ये भी वो नहीं क्या नहीं किया, फिर वो आगे बात करने लगा। फिर बात देखो मैं इधर बहुत साल से तपस्या कर रहा है, कितना साल, 108 युग, कितना युग, 108 युग पार हो गया, मैं इतना साल से इधर से तपस्या कर रहा है, और मैं अभी आपको माता का समान हो गया, आप मुझे माता का समान सोचिए और जैसे प्रस्थान कीजिए। तो ऐसा से बात कर लेगा, फिर भी वो बिंदा देवी उसका पक्ष नहीं किया, फिर और पक्ष करने लगा, परिश्रम कर करके बहुत ही माता बिंदा देवी थोड़ा क्रोध हो गया, मरने के बाद उनको अभिशाप दे दिया, तुम खोए बाबा खोए बाबा खोए बाबा, मतलब शांति बात है, ऐसे उन्होंने अभिशाप दिया। देने के बाद जब तीन बार टाइम देने लगा तब सूर्यदेव आ गए, सूर्यदेव आए उनका थोड़ा रोका दिया, पुत्र पुत्री तुम अभी रोको, उसके बाद रुक गया, अभी धर्म का जाप अभिशाप दे दिया, खोए बाबा खोए बाबा कहो, ये दुनिया जो धर्म, अगर धर्म नहीं है तो क्या होगा, दुनिया चलेगा नहीं चलेगा ना, तो जैसा अभिशाप बिंदु देवी धर्म को दे दिया तो भाई पृथ्वी थोड़ा अघटन टाइम होने लगा, तो सारी ब्रह्मांड का सूर्य सूर्यदेव इंद्रदेव अग्निदेव वायुदेव भवनदेव और सारी जितना सारे देव देव तो उसका आने लगा, अभी रक्षी अभी तो धर्म नहीं है। होने के बाद अभी दुनिया का हाहाकार शुरू हो गया, तो सब मिलके फिर धर्म का पत्नी मूर्ति देवी, मूर्ति देवी वो भी आके भगवान का विष्णु का चरण में आया, बता रहा है आप
मुझे पुत्र को वापस दे दे कृपा करके। एक पुत्र का काम है पुत्र को सेवा करने का। अगर वो पुत्र सेवा नहीं करेगा, पुत्र नहीं है पुत्र का, तो पुत्र का कोई मतलब फेलो नहीं है। पुत्र का धर्म, पुत्र का धर्म है पुत्र को सेवा करने का। तो हम क्या करेगा जी की हमारा पुत्र नहीं है। तो भगवान विष्णु के पास गया, भगवान विष्णु उनके पास आया तो बिंदेवी को समझ रहा है, बिंदे तुम ऐसे देखो अभी धर्म का तो तुम अभिशाप दे दिया, लेकिन अभी दुनिया अच्छा नहीं चलता है, तो तुम उसके वापस दे दो। और ब्रह्मा को आयु तुम्हारे प्राप्त किया, लेकिन वो आयु तुम थोड़ा और धर्म को थोड़ा प्रदान करो पहले ना। फिर ऐसा बात लगा, फिर माता तुलसी उनको कहने लगा ठीक है मैं तू पढ़ दूंगा। फिर वो तुलसी मारा नहीं, कहने लगा मैं श्रोती हूँ तो मैं अच्छा भगवान को एक ओनली भगवान को संतुष्ट करने के लिए मैं तपस्या किया, मेरा श्रुति का बल है, मेरा भक्ति का बल है, तो धर्मराज अच्छा हो जाए। लेकिन अंतिम में कहा धर्मराज बताया प्रकट हो गया, अंतिम में कहा लेकिन ये पूर्ण पूर्ण नहीं होगा। जब कोई अच्छा व्यक्ति अभिशाप देता है, अभिशाप का वचन पूरा होते रहते ना होते रहते, लेकिन उन्होंने कहा ये अच्छा पूरा पूरा नहीं होगा। फिर इधर का बात ही क्यों, धर्म धर्म कौन है, सत्य त्रेता दापर कोली। विनोद में क्या बताया था, भव खय खय भव खय भव खय भव, मतलब तीन बार उसको अभिशाप दिया था खय भव। इसलिए ऐसा सत्य युग में क्या था, धर्म चारों का था, मतलब सुलभग का सुलभग था। जब तेजस्वी आया तो बतरा विद्यादेवी वो तेजस्वी के धर्म का एक भाग कमती हो जाएगा, मतलब जो चार चार पद है, चार पद का अंदर अभी तेजस्वी में तीन पद उसका खाना न पाएगा। जब दापुर जब आएगा उनको दो पद में खाना पड़ेगा, जब कुली जब आएगा उनको एक पद में खाना पड़ेगा। मतलब धर्म है, धर्म का जो हमारा अभी कृष्ण भक्ति पास कोई भक्ति नहीं करते, अधर्म है ये बात। जब जब कुली जग आएगा तो उसका एक पद में खाना पड़ेगा। जब कुली का जो आखिर जब आएगा तो सुनो भाग का एक अंश रहेगा और सारी अधर्म अधर्म ही चलेगा। जब फिर वापस ऐसे वापस ऐसे स्वच्छ जाएगा, फिर धर्म पूरा पूरा हो जाएगा, फिर ऐसे स्वच्छता पूर्व जग आएगा और ऐसे कमती कमती हो जाएगा। ऐसे उनको विषय दिया तो फिर आके अब क्या करेगा, भविष्य तो विफल नहीं जाएगा। तो ऐसे उनका आशीर्वाद दे क्या या अभी आशीर्वाद दे दिया तो सारी देवता वापस चले गया। चलने के बाद फिर भगवान में चले गया, भगवान का आशीर्वाद दिया तुम और कोई नहीं, तुम गुलों का भगवान धाम से एक रथ अलंकार विष्णु का रथ आया तुलसी मान के लेके चले गया। एक ही कारण है, लेकिन तुलसी मान को जो लीला का था बहुत सारी शास्त्र में बात दिया। और एक है, यह एक एग्जांपल है। तो और एक है जैसा भगवान का गोलोक विनोद धाम में एक भगवान के सखा था, उनका नाम सुदाम, सुदाम सखा था। वो जरासंध बन के वो दुनिया में आया, जरासंध बन के वो जरासंध क्या किया, इतना इतना शक्तिशाली प्रभाव था, सारी दुनिया का राजा स्वर्ग का दंड करा, सारी धर्म का जो राज्य है वो शंकुसुरा शंकुसुरा पहले क्या बना था, पहले बात था शंकुसुरा बात है ना, शंकुसुरा शंकुसुरा नाम में वो सुदामा आया, सॉरी मेरे समझ हो, वो शंकुसुरा नाम में आया था और सुदामा। फिर वो उसके साथ माता तुलसी को विवाह हुआ, विवाह के बाद फिर विवाह प्रभाव है वो शंकुसुरा बहुत ही राजा स्वर्ग का राज्य ले लिया, बहुत सारे राज्य को ले लिया। लेने के बाद अभी सारी देवता लोग गंधर्व लोग मिल के किसके पास किया, ब्रह्मा जी के पास किया, ब्रह्मा जी के पास किया। ब्रह्मा क्या किया, ब्रह्मा जी सारी देवता लेके शिव जी के पास किया, शिव क्या किया सारी सब लेके यह भगवान का धाम में, धाम में भगवान को ब्रह्मा जी बांधने लगा, बदलने लगा जो ऐसे सब बदलने लगा। भगवान विष्णु कहने लगा मैं शंकुसुर के बारे में सब जानता हूँ वो कौन है, और कोई नहीं वो मेरा वो एकमात्र का भक्त है सुदामा उसे, और जो उनका पत्नी है और कोई नहीं, वो हमारे प्रकाश है वो विद्या देवी। तो ऐसे वो उनको एक टाइम वो राष्ट्रमंडल से
राधारानी ने उनको मिश्रण दिया था, उनको जरा संतोष से वो उसे बांधो और उसे बांधो जब क्या उधर फिर जब जब संकुश रहा वो हमारा भूमंडल में आने लगा तब राधारानी कहने लगा कृपा करके तुम जाओ लेकिन तुम वापस आएगा पता लगा उधर का दो मिनट भगवान का धाम का दो मिनट का टाइम तुम वापस आ जाएगा। अभी दो मिनट कैसे बता रहा है जो इधर का हमारा एक मनमंत्र क्या एक मनमंत्र मतलब एकातुर चतुर्युग तुम घूम जाएगा तब तो भगवान का धाम को होगा कितना मिनट ओनली दो मिनट बस तुम दो मिनट के लिए तुम थोड़ा घूम जाएगा बस तुम वापस आ जाएगा ऐसे उनका आशीर्वाद दे दिया राम माता। फिर वो शंकुशा नाम है आया फिर ऐसा वो कहने लगा फिर सबको ऐसे प्रश्न हो के शिव को एक त्रिशूल दिया शिव को बड़ा एक त्रिशूल दिया बता रहा है एक त्रिशूल उनका भक्त का कारण है लेकिन वो शंकुश राज जो राजा जो दानव है लेकिन वो इतना मार सके फिर उन्हें क्या कहने लगा आप जाइए एक त्रिशूल लेकर जाइए इनका कारण का वध होगा मैं एक ब्राह्मण वेश धारण करके उनका बुद्धि के घर में जाएगा मतलब बिंदु के घर में जाएगा तब तो इसको मार सकते और कोई कारण नहीं है। फिर ऐसा बोलने किया आने के बाद अभी जूता भी आरम्भ होगा अभी वो जूता से शिव के साथ युद्ध होगा आने के बाद अभी शिव को आया आने के बाद शिव पहला युद्ध करने के लिए नहीं गया शिव का बहुत सारी सेना है शिव का वैसा हमारा भद्र ना जो रक्त काली भद्रकाली वीरभद्र ऐसे उनका बहुत बहुत लाख लाख गुरु उनका सेना है डायनेमा ऐसा हम सुनते ना तो उनका शौक है मतलब रक्तकाली होता है युद्ध के लिए भेजा भरने के बाद अभी जब युद्ध आरम्भ हुआ बहुत ही धमाधम युद्ध चल रहा है अंतिम में जो युद्ध चल रहा है अंतिम में तो भाषा देखा दानव का मतलब दानव का सब फिनिश हो गया मतलब उनको एक शत काट आता है दानव का सेना है आपसे बताएंगे शंकुशों का कितना सेना था बता रहा है शंकुशों को 3 लाख वस्त्र था 5 लाख हाथी था 10,000 रथ था और 3 कोटि जो धनुधारी था 3 धनुधारी और 3 कोटि जो चक्रधारी था और 3 कोटि शूलधारी था माने शूल त्रिशूल ना त्रिशूल था ऐसे उनका सेना था जनता का बहुत सारी सेना था ऐसे करके फिर जब युद्ध अंतिम हुआ इधर होने के बाद अभी शिवजी को पूछ रहा है शिवजी के पास आया आप तो महान एक राजा है महान एक वैष्णव है अमृत दे दिया छल किया भगवान ने फिर बोली महाराज को छल किया फिर ऐसे उसके कितना छल किया लेकिन हम लोग का क्या करेगा हम लोग को दृष्टि भरना होता ना जैसा क्यों करता है आप हमारे साथ युद्ध करेगा तो आपका कृतित्व नष्ट होगा ऐसा शंकुशरा शिव को बोल रहा है फिर बता रहा है तुम जैसा राज्य का लेके तुम युद्ध कर रहा है हरे कृष्णा मैं जो बात बता रहा समझ आ रहा है समझ में ना समझ नहीं आएगा तो बोलने का हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो वजह से ऐसा हुआ होने के बाद अभी जब युद्ध हुआ तो उनका जो एक त्रिशूल था जो शिव के त्रिशूल था उनका कारण का मध्य का बहुत तो त्रिशूल का अंतर है जो आगे में था कौन भगवान नारायण मध्य में था विष्णु और तो नीचे था और शिव जी त्रिशूल का इतने के मोर है वो शिव वो और दर्शन शंकर को कर और मार दिया उसका मार दिया शंकर को मार दिया अभी तक तो मार दिया शंकर को लेकिन जो उस तरफ अभी भगवान ने क्या किया उस तरफ बिंद जी के पास किया एक ब्राह्मण छल करके एक ब्राह्मण छल कर किया जब ब्राह्मण छल किया तो बिंद देवी देख रहा है बिंद भगवान ने क्या किया एक रथ बनाया भगवान ने ब्राह्मण रूप के रथ बनाया सारी सेना बनाया उनका शक्ति से भगवान को वो क्या किया वो जय जोकर करते करते जाने लगा शंकर की जय हो शंकर की जय हो ऐसे करके जाने लगा अब बिंद देवी जो घर से देख रहा है जो मेरा पति आ रहा है
आने के बाद मैंने कहा अरे शिव के साथ युद्ध करने तो कोई नहीं पड़ सकता, लेकिन वेलपति कैसे, उनके मन में थोड़ा विश्वास पूरा पूरा नहीं है। तो फिर आया, आने के बाद बता रहा है आप उनके साथ कैसे युद्ध किया, आपके युद्ध की जीत हुआ। फिर बता रहा है जो भगवान कृष्ण वो आखिरी बात है, झूझूर पाते हैं भगवान, बता रहा है जो हम जब युद्ध कर रहे था दोनों का अंतर, लेकिन युद्ध का कोई जीत नहीं हुआ, जैसा हम युद्ध पराक्रम बहुत युद्ध हुआ जीत नहीं हुआ। तो वो फिर ब्रह्म आ गया, ब्रह्म आने के बाद मेरे को बता रहा उनका राजा तुम दे दो वापस, मिल हो जाओ। फिर ऐसा बता रहा है, फिर ऐसा बताने के बाद ठीक है अभी ऐसा हो गया। आने के बाद रात को तो क्या, तो वो बिंदु देवी ने उसको समझ गया, ये तो हमारा पति नहीं है, ये तो कौपड़ कौन है, भगवान विष्णु है। तो उन्होंने सोच लिया, सोचने के बाद उनको बहुत ही आप भगवान आप पत्थर है, आपका कोई जीत है उसको दया में नहीं, आपका भक्त का जो भक्ति करता है आपको कोई दया में नहीं है। फिर उनको ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिया, फिर मतलब आप पत्थर है, आपके पत्थर ही तो आप पत्थर